हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 26वें मुकाबले के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि आईपीएल 2024 का आज 26वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेलने जा रहा है। दोस्तों क्या होगी इस बार इन दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम आज यहाँ पर जीतेगी, इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और कौन सी टीम का पल्ला है भारी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। जी हां दोस्तों, पॉइंट टेबल में लखनऊ सुपर जायंट 4 मैचों में 3 जीत और 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल 5 में से 1 जीत और 2 अंकों के साथ 10वें स्थान पर मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले मैच में 29 रनों से हार झेलनी पड़ी थी। दोस्तों मुंबई इंडियन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन बोर्ड पर लगाए थे। दोस्तों जवाब में दिल्ली कैपिटल लक्ष्य का पीछा करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रन ही बना पाई थी। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ 33 रनों से जीत दर्ज की थी। दोस्तों लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में गुजरात टाइटन लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.5 ओवरों में 130 रनों पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों इकाना की पिच रिपोर्ट, जी हां दोस्तों इकाना की पिच रिपोर्ट आमतौर पर काफी टाई रहती है दोस्तों, जिससे स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलती है और चेंज करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों बल्लेबाजों को शुरुआत के ओवरसों में मदद मिलेगी, लेकिन बाद में स्पिनर को पिच में मदद मिलेगी। दोस्तों कप्तान यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं। दोस्तों इस पिच पर पहली पारी का औसतन स्कोर 152 रन है। दोस्तों आपको बता दें कि हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच कुल 3 मैच खेले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने तीनों की 3 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल ने कोई भी मैच नहीं जीता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली कैपिटल यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का पल्ला भारी है। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11? दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 क्वार्टर डीकॉक, केएल राहुल कप्तान और विकेट कीपर। दोस्तों देवदत्त पानिकल, मार्क स्टोनिस, निकोलस पूरन, आयुष बड़ोनी, कुणाल पांडे, रवि बिश्नोई, नवील उनहक, एस ठाकुर, एम सिद्धार्थ। दोस्तों दिल्ली कैपिटल की संभावित प्लेइंग 11 पृथ्वी शाह, डेविड वॉर्नर, अभिषेक पोरेल, शिस्टन स्टॉन्स, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर, अक्षर पटेल, ललित यादव, कुमार कुसंगा, एनरिक के नौकरिया, ईशान शर्मा, खलील अहमद। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे और दोस्तों यहां पर आज लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का 26वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।